Hello students, in previous lecture we started our chapter number 2 which is inverse trigonometry functions, right? So उसके basic concepts की बात हमने की थी, right? मैंने बोला था कि आप लोगों को जो range, domain and codomain के लिए जो table दिया हुआ है वो आप लोगों को अच्छे से learn करना है, right? हर एक function, हर एक inverse function के लिए उसका domain क्या होगा और उसका codomain क्या होगा वो आप लोगों को पता होना चाहिए, right? एंड मोस्ट थिंग कि जितने भी फॉर्मूला आप लोगों ने 11th के ट्रिगो में लर्न की थी वो सारी भी आप लोगों को फिर से याद करनी, राइट? क्योंकि उन सभी का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे. ओके, सो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कुछ साउंड्स जो आप लोगों को एक्सरसाइज 2.1 में दिए हुए, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक सभी में आप लोगों को करना क्या है, सो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी. सो प्रिंसिपल वैल्यू हमने डिस्कस की थी किसके अकॉर्डिंग होती है, प्रिंसिपल इंटरवल के अकॉर्डिंग, दैट मींस कि प्रिंसिपल डोमेन के अकॉर्डिंग, राइट? सो प्रिंसिपल डोमेन को माइंड में रख के हमें इन सभी फंक्शन के लिए पर्टिकुलरली क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड करना है, राइट? सो हर एक टाइप के मतलब ट्रिगो फंक्शन के हम लोग वैल्यूज फाइंड करके देखते हैं कि किस तरह से आप लोगों को वैल्यूज फाइंड करनी है. ओके, सो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1, जहां पे हमें दिया हुआ है साइन इनवर्स -1/3. अब मैंने आप लोगों को दो फॉर्मूला बताए थे जो आप लोगों को ऑलवेज ध्यान में रखने हैं कि साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल्स टू हम लोग x लिख सकते हैं व्हेन x इज बिलोंग्स टू -π/2 to π/2, राइट? Right? So cos inverse में root 3/2 दिया हुआ है, तो क्या होगा cos inverse
राइट। अब हमें देखना है रीजन में लिखना चाहो साइड में तो रीजन में भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप लोग साइड में भी ब्रैकेट में लिख सकते हो ये चीज। ओके सो यहाँ पे क्या होगा 5/6। अब 5/6 हमें चेक करना है कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, कॉस इनवर्स के कोडोमेन में। एंड कॉस इनवर्स का कोडोमेन हमने क्या देखा था 0 to π, राइट। सो यहाँ पे ये कहाँ पे बिलोंग होना चाहिए 0 to π। 5/6 ऑलवेज होगा ही बिलोंग्स टू 0 to π में, तो ये चीज ट्रू है, तो डायरेक्टली हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5/6। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको एंगल में कन्वर्ट करो, राइट। 1/2, 3/2, -√3/2, ये सभी हमें पता है, वो पूरा वैल्यू का टेबल हमने ऑलरेडी किया हुआ, राइट। सो अब सिर्फ आप लोगों को उसके रेडियस में एंगल फाइंड करने है, चेक करना है कि वो एंगल उसके कोडोमेन में बिलोंग कर रहा है कि नहीं। अगर बिलोंग कर रहा है तो डायरेक्टली आंसर लिखना है, अगर नहीं भी कर रहा है तो वहां पे हमें उसको बिलोंग करवाना है, वो भी हम लोग देखेंगे, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जहाँ पे हमें दिया हुआ है कॉसेक इनवर्स 2। तो कॉसेक इनवर्स 2 के लिए हमें क्या फाइंड करना है कि कॉसेक में हमें 2 कहाँ पे मिलेगा। सो हमें पता है कि कॉसेक में हमें 2 कहाँ पे मिलेगा, कॉसेक इनवर्स कॉसेक देन 5/6। अब हमें पता है कि ये 5/6 जो है वो कहाँ पे बिलोंग करना चाहिए, कॉसेक इनवर्स की कोडोमेन में। एंड कॉसेक इनवर्स का कोडोमेन क्या है, तो -π/2 to π/2 -0, राइट। ये आप लोगों ने टेबल किया होगा तो आप लोगों को पता होगा कि कॉसेक इनवर्स का जो कोडोमेन है वो कुछ इस तरह का है कि सिर्फ हमें 0 नहीं लेना, और वो आप लोगों को पता है क्यों नहीं लेना, क्योंकि साइन 0 0 है और कॉसेक इनवर्स करेंगे तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 0 कंसिडर नहीं करना, राइट। सो ऑब्वियसली 5/6 -π/2 से 5/2 के बीच में है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5/6, राइट। सो मेन थिंग क्या है, ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए हर एक फंक्शन के कोडोमेन्स, मतलब इनवर्स फंक्शन के कोडोमेन्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 inverse -√3। अब 10 inverse -√3 में क्या होगा कि 10 में हमें देखना है कि हमें √3 कब मिलेगा, राइट। सो 10 inverse 10। अब 10 में हमें देखना है कि हमें √3 कब मिलेगा, तो हमारे पास एंगल कौन सा होगा -π/3। 10 को भी हम इसी वे में लिख सकते हैं कि 10 ऑफ -θ इज इक्वल्स टू -10, राइट। सो ये भी ट्रू है कि हम लोग लिख सकते हैं 10 ऑफ -π/3, माइनस कॉमन निकालोगे तो 10π/3 दैट मींस कि -√3 मिल जाए। अब क्या चेक करना है कि ये जो -π/3 है वो 10 इनवर्स के कोडोमेन में बिलोंग कर रहा है कि नहीं। सो 10 इनवर्स का कोडोमेन क्या है, सो ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, राइट। एंड हमें पता है कि ऑब्वियसली -π/3 है वो यहाँ पे बिलोंग करेगा, और बिलोंग कर रहा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा -π/3। जो भी एंगल लिखो विद ये साइन लिखना है, हाँ सो उसको भूल मत जाना, हमने यहाँ से साइन कंटिन्यू किए और ये 10 है साइन है, इसीलिए हमने माइनस बाहर की जगह अंदर लिख दिया। कॉट में कॉस में ऐसा नहीं होता, राइट, क्योंकि हमें पता है कि कॉस ऑफ -θ -cos θ नहीं होता, राइट। वहां पे वैल्यूज चेंज हो जाते, सो वहां पे हम लोग उस वे में उसको नहीं लिख सकते, राइट। सो ये हमें क्या मिला -π/3, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जहां पे हमें दिया हुआ है कॉस इनवर्स -1/2, राइट। कॉस इनवर्स -1/2 है, ये हमारे पास क्या होगा कि कॉस इनवर्स, अब कॉस में हमें पता है कि हमें 1/2 देखना है, राइट। सो 1/2 हमें कॉस में कब मिलेगा 5/3, राइट। सो ये क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 5/3, बट कैसा 5/3, -π/3, राइट। अब हमें क्या देखना है कि -π/3 बिलोंग होना चाहिए कॉस इनवर्स के कोडोमेन में।
हमें पता है कि माइनस पाई बाई थ्री डज नॉट बिलोंग्स टू जीरो टू पाई, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे नहीं लिख सकते, आंसर इज माइनस पाई बाई थ्री, राइट। सो हमें क्या करना पड़ेगा, यही एंगल को उसके डोमेन में बिलोंग करवाना पड़ेगा, राइट। और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे कॉस का एंगल क्या है, नेगेटिव, हमें तो पॉजिटिव चाहिए ना, क्योंकि कॉस का डोमेन ही पॉजिटिव है, पॉजिटिव जीरो टू पाई में है। सो हमें पता है कि कॉस में हमें माइनस कब मिलता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, तो हम लोग कंसिडर कौन सा करेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट अगर हम लोगों को लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस पाई बाई थ्री, तो ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट। आप लोगों ने ऐसा देखा था कि ये पाई यहाँ पे ये जीरो, यहां से पाई, फिर वापस से ये टू पाई, राइट। कुछ इस तरह से हमने यूनिट सर्कल देखा था, तो पाई में माइनस जाओगे तो उल्टा जाना, राइट। पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट, राइट। सो हमें क्या करना है, पाई माइनस पाई बाय थ्री, और कॉस यहाँ पे नेगेटिव होगा, हमें मिल जाएगा माइनस पाई बाय थ्री। हमें तो सिर्फ नेगेटिव ही रखना है, सिर्फ एंगल चेंज कर, और पाई माइनस पाई बाय थ्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स कॉस टू पाई बाय थ्री। और अब हमें पता है कि जब हम लोग बात करेंगे टू पाई बाय थ्री, तो वो ऑब्वियसली बिलोंग्स करेगा जीरो टू पाई। रेडियन में ना समझ में आए तो डिग्री में कन्वर्ट करके भी देख सकते, राइट। सो ऑब्वियसली टू पाई बाय थ्री जो है वो जीरो टू पाई में बिलोंग करेगा, सो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, टू पाई बाय थ्री, राइट। सो ये जो चीज है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, कि मैंने पहले भी बोला था कि एक्स को ध्यान में रखना है कि वो पर्टिकुलर इनवर्स ट्रिगो के कोई भी फंक्शन के को डोमेन में हो आ रहा है कि नहीं, तभी हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते, अगर नहीं आ रहा है तो वहां पे बिलोंग करवा दो। फॉर्मूला तो सारी है ही हमारे पास, ये सब चीजें हमने ऑलरेडी 11th में भी डिस्कस की हुई है, राइट। सेम हमें इसको भी करना है, देखते कॉस इनवर्स की बात करते हैं, तो कॉस इनवर्स वन अपॉन रूट टू, राइट। सो कॉस इनवर्स में हमें वन अपॉन रूट टू कब मिलेगा, सो पाई बाय थ्री, सॉरी पाई बाय फोर, हाँ कॉस इनवर्स में हमें रूट वन अपॉन रूट थ्री कब मिलेगा, पाई बाय फोर, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस माइनस पाई बाय फोर। तो कॉस इनवर्स कॉस माइनस पाई बाय फोर, अब वापस से लिखने की जरूरत नहीं, हमें पता है कि माइनस पाई बाय फोर डज नॉट बिलोंग्स टू जीरो टू पाई, तो वापस से हम लोग क्या करेंगे, पाई माइनस थीटा, तो कॉस पाई माइनस पाई बाय फोर, और ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस फोर पाई माइनस पाई, दैट मीन्स की थ्री पाई बाय फोर, राइट। एंड ये हमें पता है कि थ्री पाई बाय फोर जो है वो बिलोंग करेगा जीरो टू पाई में, एंड हेंस हमें मिल जाएगा आंसर इज व्हाट, थ्री पाई बाय फोर, राइट। सो कहीं पे भी आप लोगों को ऐसे एंगल्स मिले जो उसके कोडोमेन में बिलोंग नहीं कर रहे, मतलब कि इनवर्स के कोडोमेन में, तो आप लोगों को ये प्रोसेस करनी, राइट। सो इस तरह से आप लोगों ने ऑलमोस्ट हमने 6 क्वेश्चन किए, टोटल 10 क्वेश्चन है, तो बाकी के जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को होमवर्क में ट्राई कर रहे हैं, राइट। हमें नेक्स्ट दिया हुआ है कि वैल्यूज फाइंड करनी है 2 क्वेश्चन में, राइट। सो सेम वे में 11 हम लोग करते हैं, 12 एंड एमसीक्यूज जो है वो आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए, राइट। सो हम लोग करते सो क्वेश्चन नंबर 11, अब इसको भी वैसे ही करना है जैसे हमने अभी अभी ये सारे क्वेश्चन किए, उसको रेडियल वाले एंगल में कन्वर्ट कर दो तो सिर्फ एंगल मिलेंगे और लास्ट में हमें वैल्यू मिल जाएगी, कुछ इस तरह से कि टेन इनवर्स, अब टेन में वन कब मिलेगा, सो टेन पाई बाय फोर, राइट, प्लस कॉस इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, कॉस, कॉस में हमें 1 बाई टू कब मिलेगा, माइनस पाई बाय थ्री, प्लस साइन इनवर्स, साइन में 1 बाई टू कब मिलेगा।
उसके कोडोमेन में बिलोंग कर रहा है कि नहीं, राइट। सो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, पाई बाय फोर इज ऑब्वियसली बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, तो यहाँ पे डायरेक्ट पाई बाय फोर, माइनस पाई बाय थ्री बिलोंग नहीं करेगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉस को नेगेटिव, दैट मीन्स दी पाई माइनस पाई बाय थ्री, एंड माइनस पाई बाय सिक्स साइन इनवर्स से कोडोमेन में बिलोंग करेगा, सो माइनस पाई बाय सिक्स। सो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे 12 को, तो ये क्या हो जाएगा 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस 4 पाई माइनस 2 डिवाइडेड बाय 12, राइट, दैट मीन्स की 9 पाई बाय 12, दैट मीन्स की 3 पाई बाय 4, ये मिल गई हमें वैल्यू। अब हर बार अगर ये चीज ना भी करनी हो तो ये दोनों हमने अभी अभी फाइंड किए, कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स माइनस हाफ हमने क्या फाइंड किया था 2 पाई बाय 3, एंड साइन इनवर्स माइनस हाफ हमने ऑलरेडी माइनस पाई बाय 6 फाइंड किया। तो नॉर्मली अगर 1 मार्क्स के क्वेश्चन में हो तो ये पूरी चीज लिखनी है, अगर एमसीक्यू में हो और आप लोगों को इसकी वैल्यू डायरेक्टली याद है तो आप लोग लिख सकते हो, और मेरा सजेशन वही है कि जितनी वैल्यूज आप लोग डायरेक्टली याद रखोगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा, राइट, इजीली आप लोग इसके सॉल्यूशंस फाइंड कर पाओगे। ओके, सो आई होप कि अब आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से उसको प्रूव करना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 में भी सेम, कॉस इनवर्स हाफ दिया, सो हाफ के लिए एंगल लिखो, उसके बाद उसको डायरेक्टली रेडियन में कन्वर्ट कर दो, एंड टू साइन इनवर्स हाफ है, तो साइन इनवर्स हाफ में भी हमें पता ही कि एक में पाई बाय सिक्स होगा, एक में पाई बाय थ्री होगा, आगे टू मल्टीप्लाई किया हुआ है तो मल्टीप्लाई कर दो एंड देन वापस से उसको सॉल्व कर दो, इसी वे से आंसर मिल जाएगा। एमसीक्यू की बात करें तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई दिया हुआ है, तो वाई कहाँ पे बिलोंग करना चाहिए वो फाइंड करना है, देखते हैं कैसे फाइंड करते हो, क्योंकि वो उसमें आप लोगों को क्या यूज करना है, डोमेन एंड कोडोमेन का यूज करना है, क्योंकि ऑप्शन भी आप लोगों को उसी के अकॉर्डिंग दिए हो, राइट। एंड क्वेश्चन नंबर 14 इज इक्वल टू, तो वहां पे भी वैल्यू फाइंड कर लिए, तो जैसे ये वैल्यूज फाइंड करते हो वैसे 10 इनवर्स रूट 3 कुछ इस तरह से फाइंड होगा, प्लस पाई बाय 3 आएगा, राइट, एंड देन सेक इनवर्स माइनस 2, तो जैसे हमने कॉस सेक किया 10 किया वैसे सेक के लिए भी फाइंड कर सकते हो, उसका कोडोमेन भी आप लोगों के पास है, दोनों को सॉल्व करोगे तो आप लोगों को एमसीक्यू का आंसर मिल जाएगा, राइट। सो ये हो गई एक्सरसाइज 2.1 की बात, राइट। अब नेक्स्ट थिंग जो आप लोगों को करनी है वो ये है कि आप लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस दिया हुआ, राइट, सो उसमें आप लोगों को क्या करना है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 नंबर्स करके टोटल 6 फॉर्मूलाज दी हुई, 6 फॉर्मूलाज तो नहीं बोल सकते, फॉर्मूला अंदर ज्यादा है, बट टोटल 6 प्रॉपर्टीज दी हुई कि अलग अलग टाइम पे इनवर्स फंक्शन किस तरह की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, राइट। जैसे फर्स्ट में हमें दिया हुआ है कि साइन इनवर्स 1/x कहीं पर भी दिया हुआ तो हम उसे कोसेक इनवर्स x लिख सकते, राइट, बट वहां पे कंडीशन की x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 होना चाहिए या तो फिर x लेस देन और इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, राइट। सो कुछ इस तरह से प्रॉपर्टीज दी हुई है, फिर आप लोगों को दिया हुआ है साइन इनवर्स माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स x, राइट, सो जैसे साइन कॉस में था वैसे यहाँ पे भी है, ओके। फिर थर्ड में कि अगर कॉस इनवर्स साइन इनवर्स कॉट इनवर्स में माइनस दिया हुआ है तो हम उसे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, उसका यूज हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं, कॉस इनवर्स माइनस दिया हुआ है तो हम उसे पाई माइनस कॉस पाई बाय थ्री लिख सकते हैं, मतलब कि पाई सॉरी एक्स दिया हुआ है ना हमें, ओके, लेकिन वहां पे एक्स भी आप लोगों का बिलोंग होना चाहिए माइनस 1 to 1, राइट, सो ये भी आप लोगों का वहां पे ही बिलोंग करेगा, राइट, सो आप लोग उसे ऐसा लिख सकते हो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, दैट मीन्स की पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, और कॉस इनवर्स 1/2 जो है वो उसके कोडोमेन में बिलोंग करेगा और वो क्या हो जाएगा पाई बाय 3, दैट मीन्स की अल्टीमेटली यही आएगा पाई माइनस
पाई बाय थ्री। तो अब जब हम करेंगे तो हम लोग वो वाली फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं कि वहां पे आप लोगों को एंगल इस तरह से मिलेंगे, राइट। सेम वे में फोर्थ में भी कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू, कि दोनों इनवर्स से वो फंक्शन का एडिशन दिया हुआ तो उसका आंसर ऑलवेज पाई बाय टू होगा। यहाँ पे सिर्फ वो साइड में एक्स की कंडीशन जो दी हुई है वेरी कर रही है, वो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि सिर्फ एक्स की वही वैल्यू के लिए फॉर्मूला ट्रू है और आप लोग अप्लाई कर सकते, राइट। फिर फाइव एंड सिक्स दोनों में टेन इनवर्स के लिए फॉर्मूला दी हुई है कि टेन इनवर्स में एडिशन सब्सट्रैक्शन दिया हुआ हो तो कैसे करना है, फिर टेन इनवर्स को साइन इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करना है, टेन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करना है, उसकी भी फॉर्मूला हमें दी हुई है, राइट। सो ये जो सारी फॉर्मूला है वो आप लोगों को नोटबुक में लिखनी है और अच्छे से लर्न करनी है, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे और उसमें हमें ये सारी फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ेगी, राइट। सो वो हम लोग स्टार्ट करें, उससे पहले ये सारी फॉर्मूला आप लोगों को नोट में लिखनी है और सारी फॉर्मूलाज जो है वो लर्न करनी है विथ कंडीशन, राइट, कि एक्स की वैल्यू ये होनी चाहिए तब जाके ये फॉर्मूला ट्रू है, अदरवाइज नहीं, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये जो फॉर्मूला है वो लर्न